देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बहुउपयोगी पीएम मुफ्त बिजली योजना के तहत सूर्य घर योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत जिन घरों में 100 स्क्वायर फीट की जगह उनके छत पर या घर के आसपास खाली हो, वहां सोलर पैनल लगाकर बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें हितग्राहियों को 50 से ज्यादा सब्सिडी भी दी जा रही है। इस योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन के लिए डाक विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इस योजना में हिस्सा लेने के लिए आम जनमानस को जागरूक करेंगे और जो हिस्सा लेना चाहे उनका पंजीयन भी करेंगे। इसे लेकर हमने डाक संभाग के उप अधीक्षक पूजा तिवारी से बातचीत की, उन्हीं से जानते हैं कि ये योजना क्या है और इसका कितना लाभ आम जनमानस को मिल पाएगा और कैसे। नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है और आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज की मुलाकात बहुत ही विशेष है क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पे योजनाएं आम जनता के लिए आ रही हैं और हाल फिलहाल में आपको पता ही है महतारी वंदन योजना, जिसका काफी नाम है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अब एक और योजना देखने को आ रही है, वो योजना है सूर्य घर योजना। जी हाँ, सूर्य की शक्ति, सूर्य की ताकत, सूर्य का प्रकाश अब हमारे घरों के बिजली बिल को कम कर सकता है, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो इसके लिए बाकायदा योजना निकाली गई है। यह योजना क्या है, कैसे काम करेगी, कितना लागत आएगा, किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन होगा, ये सब हम जानना चाहेंगे। दुर्ग डिवीजन की उप अधीक्षक मैडम है पूजा तिवारी मैडम, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की योजना है और इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, इसमें हम भाग कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीजें। मैडम, सबसे पहले एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताएंगे मैडम, नरेंद्र मोदी जी की एक और महत्वाकांक्षी योजना, शायद उस योजना का नाम है सूर्य घर योजना, तो बताएंगे क्या है यह योजना और कैसे यह क्रियान्वित होगी। जी, ये जो अक्षय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा ये प्रधानमंत्री महोदय की एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएम सूर्य घर योजना। अभी के केंद्रीय बजट 2023-24 में इसका शुभारंभ किया है महोदय ने, इसकी घोषणा की है। इसके माध्यम से उनका ऐसा विजन है कि 1 करोड़ भारतवर्ष में 1 करोड़ परिवारों में जो सोलर पैनल टॉप है वो उनकी छत पर लगाया जाए, जिससे उस घर में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन हो, पर्यावरण प्रदूषण कम हो और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हम और विकास कर सकें। इसके लिए उन्होंने भारतीय डाक विभाग को चुना है, जो कि घर घर जाकर लोगों के बीच सर्वे करेंगे कि किन घरों में पक्के घर उपलब्ध हैं, छत उपलब्ध है या खुली जगह उपलब्ध है जहां पर सोलर सेल पैनल संस्थापित किए जा सकें और सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। मैडम, इस पैनल को लगाने के लिए पक्के मकान की जैसे जरूरत है, अगर कच्चा मकान है लेकिन उनके आसपास जगह है, अगल बगल में जगह है, या कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है कि लोग छोटा छोटा खेत रखते हैं और खेतों में ही अपना घर बना के रहते हैं, क्या वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे? जी जरूर, जिनके पास भी खुली जगह उपलब्ध है या तो छत पर या फिर सामने उनके खेत है और समतल है, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। न्यूनतम 100 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए इस सौर ऊर्जा का जो सोलर पैनल है उसके संस्थापन के लिए, और इसमें न केवल सौर ऊर्जा का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा बल्कि जो लोग, जो हितग्राही या जो लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी का भी प्रावधान है। अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी इसमें केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसका लाभ लोग उठाएंगे और अपने घर में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर सकेंगे। मैडम, जहाँ तक हमें पता है जो लागत लग रही है इसमें लगभग सब्सिडी 50% के ऊपर मिल रहा है। जी जी जरूर। और अगर हम इसकी दबाव की बात करें, मतलब जो मांग है, भार मांग की जो बात करें, कितने किलोवाट तक हम अभी फिलहाल देने में सक्षम है? वस्तुतः डाकघर को केवल घरों में सर्वे करके जो हितग्राही है उनसे सर्वे करके उनका सहमति पत्र लेना है और उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद उनके घरों में उपलब्ध स्थान के आधार पर और उनका जो मंथली कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का उसके आधार पर सोलर सेल पैनल उनको प्रदान किया जाएगा, और ये सारा जो इसका समन्वय या इसका जो क्रियान्वयन है वो MNRE के द्वारा ही किया जाएगा। अभी डाक विभाग के स्तर पर जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम घर घर जाकर लोगों को इस योजना की जानकारी दे रहे हैं, उनके घरों में स्थान की उपलब्धता के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उनका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं,
कि उन्हें ये सौर ऊर्जा का पैनल संस्थापन करवाना है अथवा नहीं। अभी आप लोग सर्वे कर रहे हैं तो दुर्ग संभाग की अगर बात करेंगे तो कितना लक्ष्य मिला है? जी हमें लगभग 60,000 लोगों हाउस होल्ड में सर्वे करके उनका सहमति पत्र लेने का ये टारगेट मिला है। इसके लिए हमारे दुर्ग संभाग के जितने भी उप संभाग हैं, हमारे कुल 50 वितरण डाकघर हैं और 83 हमारे यहाँ कुल डाकघरों की संख्या है, उसके सभी कर्मचारी, न केवल वितरण स्टाफ यानी पोस्टमैन बल्कि अन्य कर्मचारी भी सर्वे की इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। सभी को हमने सर्वेयर के रूप में नॉमिनेट किया है और सब लोग, यहाँ तक कि रविवार को भी, अभी आगामी रविवार को भी हमारे डाकघर के कर्मचारी इस सर्वे के कार्य को करेंगे। मैडम ये तो हुआ जहाँ हमारे डाक कर्मचारी जो हैं, जो पोस्टमैन हैं, वो जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, लेकिन कई वर्षों में देखा गया है कि डाक की थोड़ी सी, मतलब डाकघर की कमी या पोस्टमैन की कमी जी। हो गई है, मतलब पोस्टमैन ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं कुछ जगह पर। अगर वैसे लोग हमारे चैनल को देखते हैं, अगर इंस्पायर होते हैं, अगर उनको जुड़ना है, उनको भी अगर पैनल लगाना है तो वो कहाँ संपर्क करें? जी वैसे तो पोस्टमैनों की या जो हमारे यहाँ वितरण स्टाफ है, ना केवल अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल एरियाज में भी हमारी पहुंच सबसे ज़्यादा है। जितने भी केंद्र सरकार के उपक्रम है या जो भी संस्थाएं हैं, सबसे ज़्यादा एंड यूज़र तक, हम बोलेंगे अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो पहुंच है वो डाकघर की है। तो हमारा तो लक्ष्य है कि हम हर व्यक्ति जो उधार हाउस होल्ड जो इस योजना में इंटरेस्टेड है उस तक पहुँचे और उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। तथापि अगर मान लीजिए यदि कोई स्वयं में खुद से इंटरेस्ट लेकर इस योजना के बारे में और जानकारी लेना चाहता है या तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल करवाना चाहता है तो वो अपने नज़दीकी डाकघर में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे कर्मचारी तत्काल उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ये थे हमारे साथ में दुर्ग संभाग की उप अधीक्षक डाकघर विभाग से पूजा तिवारी बहन। इन्होंने बताया कि आज, वैसे भी आज लोगों की बहुत ही ज़रूरत है ग्रीन पावर की। इससे न केवल आप अपने घर का बिजली बिल बचा सकते हैं बल्कि इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होगा कि पर्यावरण संरक्षण में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप अपनी अहम भागीदारी निभाने को तैयार हो जाएंगे। तो एसीए न्यूज़ भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि सोलर पैनल आप अपने घरों में लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार अभी इसमें सब्सिडी दे रही है। हो सकता है आगे चल के जब यह ट्रेंड में आ जाए, ट्रेंड में चल जाए, तो ये सब्सिडियां बंद भी हो सकती है। तो देखते रहिए, ऐसे ही बहुत सारी लोगों से मुलाकात कराएंगे, बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपसे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसीए न्यूज़।